बता नहीं सकते हैं। नहीं। और उसकी पूरी रिगार्डिंग यूट्यूब पे है गुरुजी, आपसे हमारी जो बात हुई थी फोन पे, आपने हम तो फोन किए थे, आप उस पर वीडियो पर पूरी बातें जो है वो आध्यात्म विद्या विनिवृत्त कामा दुंदरी मुक्तरी सुख दुख का संग्रह जो आपने कहा था वो आज भी सब चीजें हैं। बस इतनी सी बात है गुरु जी, और बहुत विशेष बात नहीं है। संसार में सुखी है कौन, मतलब आपका उस समय प्रॉब्लम था। हाँ, और नाम गोत्र लिखने के लिए मैं बोला जी, आपने अनुष्ठान किया और हम उस समय आत्महत्या करने जा रहे थे कि गुरुजी मैं 3 मंजिल ऊपर चढ़ा था कि गुरुजी मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ, तो सोचा मरने से पहले आपसे बात कर लूँ। तो आपने 35 मिनट हमसे बात किया, फिर हमने 1 हफ्ते बाद आपको फोन किया, गुरुजी मैं मर ही जाऊंगा नहीं तो बुला लिया, और फोन पर रोने लगा फूट फूट करके। उस बीच माताजी भी हमसे बहुत बात करती थी, आप जो फोन नहीं उठाते थे तो माताजी फोन उठाते थे और हम रोते थे, गुरुजी कहाँ है माँ, गुरुजी कहाँ थी, आशीर्वाद रो मने क्यों रो रहे, हम बात कराते हैं ना, मत चिंता करो। और एक दिन क्या हुआ गुरुजी, अचानक हमें इतना तेज, मतलब क्या हुआ, जो मकान हम बनवा रहे, मतलब हम तो बनवा रहे थे, बहुत पारदर्शिता पूर्वक 60 लाख रुपए में मकान बना। गुरुजी के जगह पे माधव जनार्दन रटाटे बन के मैं स्वयं गया था, वीडियो वाले को दो बार गया, 10,000 रुपया दिया, गुरुजी गए 2-3 लाख रुपया लेता। जो उस मकान को एक मिस्त्री था, उस गुरुजी के पिताजी ने उस मकान की शुरुआत की थी, वो मकान बनवा नहीं पाए थे, चल बसे थे। तो ये था जब दोबारा मकान ऊपर बनने को हुआ, तो भरत यादव, तो क्या था कि होता है ना कि जो नीची जाति के होता है तो उनका जाति दोष नहीं जाता है, तो मेरा काम था गुरु की आज्ञा है तो उसको हम उसको बनाते खिलाते थे, वो बर्तन मांजता था, लेकिन हर एक मामले में वो बोलता था। जब भी हम गुरु जी से बात करें तो एक बार हम ऐसे कहें क्यों बीच में बोलते हो, थोड़ा सा तेज बोल दिया। हमने कहा गुरु जी आपके सामने इस तरह से मेरा अपमान हुआ, आप शांत हैं, गुरु जी कुछ नहीं बोले, तो हमको बड़ा बुरा लग गया। और उसका से जितना सामान था, बद्रीनाथ गया था, जो भी जाड़े के कपड़े थे, बर्तन थे, हमारे सिलेंडर चूल्हा, सब मजदूरों में बांट करके सिर्फ अपनी पुस्तकें लिया और गाड़ी रिजर्व करके 1.5 महीना हम घर पे थे। और 1.5 महीने में एक मतलब बहुत दिक्कत होती थी, माताजी रोती थी, उधर हम बैठ कर रोते थे, उधर बहन उदास होती थी, क्या होगा क्या होगा। लेकिन उसके बाद हमने एक व्यक्ति को पुत्र प्राप्ति के लिए अनुष्ठान करने को किया था, मिश्रा जी का। तो मिश्रा जब ये जो गुरुकुल जब खोला था उसी समय उन्होंने हमसे कहा था, लेकिन उस समय पुराण का अध्ययन कर रहा था, तो हमारी माताजी उनसे बात की, बोले कि हमारा बेटा घर पे आया हुआ है बाबू, आप कुछ थोड़ा सा कीजिए उसके लिए। बोले कि माताजी हमने तो सबसे पहले उनसे कहा था कि वो आए यहाँ, बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, आप भेज दीजिए। तो ये हमने आपकी कृपा का फल देखा गुरु जी, कि हम काशी, दोबारा काशी मिली हमको, हम अपनी पुस्तकें ले आए, गौ की सेवा किए, ब्राह्मणों को पढ़ाए। 3 बजे भोर में उठता था, 40 मिनट में नित्य क्रिया, 4 बजे बच्चों को जगाते थे, 7 बजे तक चंडी पाठ और रुद्राभिषेक नित्य करते थे, 7 से 9 2 घंटा पढ़ाते थे, 9 बजे एक गुड़ खा के पानी पी के BHU जाते थे, वहाँ हस्ताक्षर करते थे, जाके मेस में भोजन करते थे, फिर लाइब्रेरी में रात में 9:15 तक बैठकर लेखन कार्य करते थे, 9:15 जब सायरन बजता था तो वहाँ से निकलते थे, फिर ओला बाइक करते थे, और रात में 10 बजे 11 बजे गुरुकुल पहुँचते थे। तो 9 महीने तक मैं ऐसे मतलब 12, 1, 2, 3 ऐसे 3, 3.5, 4 घंटा मान लीजिए लाइब्रेरी में, कभी कभी चूंकि AC चलता था उसमें तो कभी कभी ऐसे करके जो है 0.5 घंटा ऐसे लेट जाते थे। तो ऐसी दिन फिर हमने जब हिसाब मिला देखा कि हम ये था उस समय पूजा पाठ कराते थे, लेकिन अभी गुरुजी साल भर से पूजा पाठ सब बंद है, ये समस्याएं हैं। कुंभ राशि का साने साड़ी का इफेक्ट था उस समय, है ना जी, और आपने जो अनुष्ठान किया था उसका संपूर्ण लाभ मिला जी, और हम तो कुछ कर नहीं पाए, इसलिए रहता है कुछ ऐसी चीज़ें आप प्रकाशित करें अपने गुरुकुल के नाम से, माता पिता के नाम से, कि मतलब हम कुछ कर सकें गुरु जी उसके लिए, हमारे पास धन तो है नहीं।